धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। कोई बच के ना जाने पाए। बंदूक पीछे करो। स्टॉप फायर, स्टॉप फायर। बहुत हो गया, सब लोग पीछे हटो। सीएम साहब खतरे में सर। चल। नो। सारी खिड़कियां बंद कर दें। पुलिस से मुझे मरवाएगा? हट रे, तुझसे तो बाद में बात करूंगा। पहले मेरे जिगरी दोस्त से तो निपट लूं। सरू ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो बेचारी मासूम थी, तूने उसे मारा। और क्या क्या बताया तूने इसको? क्यों किया सब? क्यों? छोड़ यार, जिसको मरना था वो मर गया, अब क्यों रो रहा है? क्या चाहिए? चैनल चाहिए? अपना न्यूज़पेपर खोलेगा? मैं सपोर्ट करूंगा तुझे, मिनिस्टर बनेगा क्या? अरे तू जो चाहे वो मैं तुझे बना सकता हूँ। सत्ता, पावर, अरे पूरा राज्य मेरे हाथ में है। तू वो हैवान है जिसने अपनी राजनीति की रोटियां 30 मासूम जिंदगियों पर सेकी। तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? हे, साजिश रचकर तूने उन्हें मारा और उनकी मौत पर आंसू बहाए। तूने तो इलेक्शन में खड़ा होने से इनकार कर दिया था। कितना जबरदस्त ड्रामा किया। यही तो राजनीति का पहला उसूल है। हाँ, मैं हूँ देशद्रोही। और तुझे क्या लगता है ये सारे के सारे मिनिस्टर जो हम देख रहे हैं वो ऐसे ही आ गए? हर कोई किसी को कुचल के आया है। अब ऐसे में मैंने दो चार को मार दिया तो क्या गलत किया? अब बुरे काम के बाद अच्छा काम भी तो करने वाला हूँ ना। बहुत बोल लिया। क्या यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझ पे गोली चलाएगा फिर कैसे बचेगा? तू भी पागल हो गया क्या? चारों तरफ से पुलिस ने इस बिल्डिंग को घेर के रखा है, बच के कहां से निकलेगा? हलवा है क्या? जरूरत पड़ेगी ना, मेरी जरूरत पड़ेगी ना, एक काम कर, गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे गोली, फिर जाकर सड़ना जेल में। नक्सलवादियों का लीडर बन गया लेकिन दिमाग घुटने में। जितना मैं कहता हूँ उतना कर, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ, उसके बाद अपनी लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर। पर हाँ, इसे खत्म करना होगा वरना हम दोनों की लाइफ खत्म हो जाएगी। सोच क्या रहा है? उतार दे गोली भेजे में, ज्यादा वक्त नहीं है। दस मिनट है हमारे पास, उसके बाद सारे कमांडोज ऊपर आ जाएंगे। इस पर भरोसा कर सकता हूं पर अब तुझ पर नहीं। मैं नहीं मारूंगा। ये इसके साथ मिल चुका है, ये अपना खातिर नहीं है। रुक जाओ, पीछे चलो। ए, तू गोलियां चलाएगा तो वो भी चलाएंगे, उसे बिना गोली चलाए मारना होगा। जा। ए, नहीं, रुक जा। मुझसे गद्दारी करेगा? क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ,
तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, पर अब कोई चारा नहीं है। ए! चला गोली। ए! चलाना! शूट मी! क्या कर दिया तूने? पैर मत हटाना वरना मर जाएंगे। ए, अगर तू यहां से हिला तो मेरा पैर हट जाएगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा अश्विन, मैं बॉम्ब स्क्वाड को बुलाता हूं। वेट। साथ में मरने की क्या जरूरत है? हम साथ में जी सकते हैं यार। बाव मत अटा। हे हे हे, बाव मत अटा। पागल है क्या? हे रंजन, नो नो रंजन, नहीं 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 अश्विन, हे अश्विन। Oh!
आ जाओ प्लीज, वसंत का है दीजिए। अश्विन क्या तुम ठीक हो? कैसे हुआ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना? वसंत का यहाँ कैसे पहुँचे? अरे वहाँ देखो, वहाँ आग लगी है। हाँ मैं हूँ देशद्रोही, और तुझे क्या लगता है ये जो सारे मिनिस्टर तू कुर्सी पर बैठे देख रहे हैं वो ऐसे ही बन गए? हर कोई किसी को कुचल के आया है। ऐसे में मैंने दो चार लोगों को मार दिया तो क्या गलत किया? बताना क्या हुआ? अरे तू कुछ बोल रहे क्या? तुम ऐसे नहीं बताओगे तो और टेंशन होगी। अश्विन फुल स्टोरी रेडी, फ्रंट पेज तैयार है, मैं बस एडिटर का वेट कर रही हूँ। नहीं सुनो, ऐसा मत कहो, किल द स्टोरी, न्यूज़ मत छापो। क्या? ये खबर नहीं छपनी चाहिए, जैसा कहता हूँ वैसा करो, जो ऐसा ऐसे। अच्छा कहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हें खरीद तो नहीं लिया? एक हैवान का पर्दाफाश करने से क्यों रोक रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, वसंत मर चुका है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओह अगर वो चला गया तो क्या उसका सच भी दफन हो जाएगा? आई वोंट डू इट। रेनू प्लीज प्लीज रेनू मेरी बात सुनो, उसकी पूरी टीम बेगुनाह है, ये सारी की सारी प्लानिंग वसंत की थी, उसके प्लान के बारे में कोई और नहीं जानता था। अगर ये राज खुल गया तो सरकार गिर जाएगी, वो करोड़ों लोग जो बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं उनकी उम्मीद बुरी तरह टूट जाएगी, वो सब टूट जाएंगे, फिर कभी कोई यंगस्टर अपने दम पर वोट नहीं मांग पाएगा, हम सबके सपने चूर चूर हो जाएंगे। प्लीज रेनू ये खबर मत छापो, मैं अपने लिए नहीं no, सारी जनता के लिए कह रहा हूँ। नो आई कांट, यहाँ क्या हुआ ये तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं चाहता। प्लीज राज्य के बेहतर कल की उम्मीद मत तोड़ो। इट्स रॉन्ग, मानो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ऐसा मत करो। नो वे, अब बताओ क्या थी वो ब्रेकिंग न्यूज? सर नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में वसंत मारा गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। हटिए, हमें जाने दीजिए। सर सर मिस्टर अश्विन, क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ? नक्सल्स के चंगुल से बंदियों को छुड़ाने के लिए हमारे सीएम ने जान की कुर्बानी दे दी। सीएम वसंत ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दी। वसंत का ये बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री वसंत दीक्षित नक्सलियों से सुलह करने गए थे और तभी उनकी जान चली गई। पुलिस और नक्सलियों की गोलीबारी में सीएम वसंत शहीद हो गए। मैं कभी भी ऐसी जमाजी नहीं दिखा पाता, इससे ये साफ हो जाता है कि इस देश की सत्ता पर सिर्फ युवाओं का राज होना चाहिए। वीर वसंत की आत्मा को शांति मिले।